गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? लोकोमोशन की हम बात करें, मूवमेंट तो एक सिंपल वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, सिंपल वो एक ही जगह पे है पर वो हिल रहा है, दैट मीन्स मूव। बट जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आते हैं, डैट इज लोकोमोशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं, लोकोमोशन व्हेन मूवमेंट इन्वॉल्व चेंज ऑफ प्लेस। मैंने कहा था कि मूवमेंट वो मूवमेंट इन्वॉल्व होना जिसमें चेंज हो रहा है प्लेस में, इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। वॉलेंट्री मसल्स, दोज मसल्स हुज मूवमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्सियस माइंड एंड कैन बी मूव्ड एट विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, दो तरह के मसल्स मेनली बच्चों यहाँ पढ़ेंगे, वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हमारे कॉन्सियस माइंड में, यानी जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जिस पे हम कंट्रोल रख पाते हैं, वो कहलाती है वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, मैं हाथ को मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे जो मसल्स होंगी डैट इज वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट आती हूँ मैं इनवॉलेंट्री मसल्स पे, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब उसको स्वैवलिंग करी या निगला उसको, तो वो नीचे तक अपने आप जा रहा है, वहाँ पे जो मसल्स हैं, दिस मसल्स इज नॉन एज इनवॉलेंट्री मसल्स, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स, दोज मसल्स हुज मूवमेंट आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, डैट इज कैन नॉट बी मूव एट ऑल एट विल, सॉरी, आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्ट्रेट एंड स्केल्टन मसल्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोमियर्स मैं आगे बताऊंगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल्स, फाइबर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, नर्व और मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है, डैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब आते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का हिलना डुलना जो होता है, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट। एनिमल सेल ऑल्सो शो मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। एनिमल सेल जो होती है सीलिया और फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट करती है, और जैसे जैसे हम हायर उसमें आते हैं तो उनमें क्या आ जाते हैं? लिम्स आ जाते हैं, जॉ, टेंटिकल्स, इनके थ्रू मूवमेंट होता है। तो लिम्स के थ्रू मूवमेंट मेनली जो होते हैं हायर एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, फोर लिम अपने हैंड्स हो गए, हाइंड लिम अपने लेग्स हो गए, इसके थ्रू मूवमेंट करते हैं। वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोकोमोशन। इन पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है? सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड इनटू साइटोफेरिंग्स एंड आल्सो फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा यूजेस द टेंटिकल्स, हाइड्रा यह यूज कर रहा है, टेंटिकल्स को यूज कर रहा है फॉर फूड कैप्चर एज वेल एज फॉर लोकोमोशन, फूड को कैप्चर करने के लिए और लोकोमोशन के लिए। ह्यूमन बींग यूज द लिम्स, ह्यूमन बींग्स क्या यूज कर रहे हैं? अभी बोला था मैंने, लिम्स यूज करते हैं टू चेंज द पॉस्चर ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द लोकोमोशन। टाइप ऑफ मूवमेंट, मेनली फोर टाइप ऑफ मूवमेंट बच्चों में पढ़ाऊंगी, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड लास्ट एंड फाइनल मस्कुलर मूवमेंट। सबसे पहले आती है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा को मूव करते हुए हमने देखा है, उसका जो मूवमेंट होता है डैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीलिया के थ्रू जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सीलियरी मूवमेंट। फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है तो फ्लैजिलर मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट्स की बात जो कर रही हूँ, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, मसल्स के कारण मूवमेंट होता है, डैट इज मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट कौन कौन कर रहा है? हमारी बॉडी में अमीबा के अलावा ह्यूमन बींग्स में मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट अकर इन दोज होलो ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन डेट आर इंटरनली लाइंड बाई सिलेटेड एपिथीलियम। ये मेनली यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में सिलेरी मूवमेंट कहाँ पर होता है? जहाँ पे जो अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ जॉ, हमारे जॉ का मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट, आईलिड का मूवमेंट आर मस्कुलर मूवमेंट इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेड मसल्स, इनमें स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड मूवमेंट ऑफ यूरिन इन यूरेटर्स आर मूवमेंट इन्वॉल्विंग स्मूथ मसल्स। एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट हो गया, ठीक है, और यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जो मूवमेंट होता है, दिस इज ऑल्सो अ क्या कहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करें बच्चों, फ्लैजिलर मूवमेंट इज इन्वॉल्व इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड मैमल्स। क्लियर। फिर आते हैं मसल्स। अब पढ़ते हैं बच्चों मसल्स के बारे में। मसल्स इज अ स्पेशलाइज टिश्यू डैट अराइजेज फ्रॉम द मेजोडम। मसल्स एक स्पेशलाइज टिश्यू है, मेजोडम से फॉर्म होता है। मसल्स और स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, मसल्स के पास कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, एक्सटेंशन की एबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है और एक्साइटेबिलिटी होती है बच्चों। इसमें मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग गिवन क्राइटेरिया। कौन कौन सा क्राइटेरिया बच्चों मैं बता रही हूँ?
कि उसकी लोकेशन कौन सी होती है, उसकी अपेरेंस कैसी होती है और नेचर ऑफ रेगुलेशन, उसका नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या है, इस अकॉर्डिंग मैं इसको आगे क्लासीफाई करूँगी। इन ह्यूमंस द मसल्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स, मेनली थ्री ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बता रही हूँ बच्चों में, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक, तीन मैंने यहाँ पे बताया है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड बोल दो या नॉन स्ट्रेटेड बोल दो, एक ही बात होती है, या कार्डिक मसल्स, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स क्योंकि किसके पास होती हैं, बोन्स के पास प्रेजेंट रहती हैं, डैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्केल्टन मसल्स, इसको इसीलिए मैं क्या नाम देती हूँ, स्केल्टन मसल्स भी नाम देती हूँ। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं नॉर्मली इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, इसलिए उनको हम विसरल या स्मूथ मसल्स भी बोल रहे हैं। और कार्डिक मसल्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट, जैसे मैंने लोकोमोशन बोला, सॉरी लोकेशन बोला, तो लोकेशन का मतलब समझ में आ गया कि यदि बोन्स के पास हैं तो स्केल्टन मसल्स, यदि इंटरनल ऑर्गन्स के पास है तो स्मूथ मसल्स, और यदि हार्ट में है तो कार्डिक मसल्स। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिसमें स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स, जिसमें स्ट्रेशन एब्सेंट होते हैं नॉन स्ट्रेटेड, और इसका नाम कार्डिक ही रहता है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्ट्रेशन आर प्रोमिनेंट, स्ट्रेशन आर एब्सेंट, एंड यहाँ पे स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये भी बता रही हूँ मैं, जो स्केल्टन मसल्स होती हैं वॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, वॉलेंट्री मैंने अभी बताया था, हैंड को मैं मूव कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोन्स के साथ मसल्स हैं, इनका इन पे मेरा खुद का कंट्रोल है, डैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मसल्स इज नॉन एज वॉलेंट्री होती हैं, इनका फंक्शन वॉलेंट्री है। इंटरनल ऑर्गन्स में मेरा कंट्रोल नहीं था तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री होती है। सेम हेयर कार्डिक जो होता है, मायोजेनिक हार्ट पढ़ाया था मैंने कि वो अपना खुद की पंपिंग खुद ही कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्योंकि वो खुद काम कर रहा है, डैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मसल्स इज ऑल्सो नॉन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं मल्टीन्यूक्लेटेड होती हैं, ये यूनिन्यूक्लेटेड होती हैं, इट इज ऑल्सो यूनिन्यूक्लेटेड। फाइबर्स इसमें सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगी इसकी स्ट्रक्चर अगेन। ये जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, सॉरी इसमें बताया मैंने अनब्रांच्ड, हाँ फाइबर्स आर स्पिंडल शेप्ड, इसके जो फाइबर्स होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड यहाँ पे आती हैं, शो इंटर कैलेटेड डिस्क इसमें प्रेजेंट होती है, इनर्वेटेड बाय वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड होता है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड होता है, और ये भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड होता है। इसमें लिम्स की मसल आती हैं, इसमें विसरल ऑर्गन की मसल्स आती हैं, इसमें हार्ट मसल्स आती हैं। अब हम आते हैं स्केल्टन मसल्स पे, मेनली आपके सिलेबस में मेनली स्केल्टन मसल्स हैं। अभी मैंने आप लोग को बच्चों ये बताया कि स्केल्टन मसल्स बोन्स के पास होती हैं, ये किस में पाई जाती हैं, ये गुच्छे में पाई जाती हैं, बंडल्स में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो इसके बंडल्स होते हैं बच्चों, इन बंडल्स को मैं क्या नाम देती हूँ, फैसिक्यूली, जो मसल्स के बंडल्स हैं डैट इज़ फैसिक्यूली। इन बंडल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को मसल्स, सेल्स को मसल्स फाइबर कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। और मसल्स फाइबर की जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे वहाँ पे मैं क्या बोलती हूँ, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे बोलते हैं हम सार्कोलेमा, यहाँ पे हम उसको क्या नाम देते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ से रीड करके भी बता देती हूँ। एंड ऑर्गेनाइज स्केल्टन मसल्स इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल सेल, मैंने कहा बहुत सारी मसल सेल से बना हुआ होता है, उसी को मैंने फाइबर नाम दिया, ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फैसिक्यूली, सॉरी फैसिकल्स, फैसिक्यूली नहीं बोलते, फैसिकल्स बोलते हैं। द फैसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉलेजन कलेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिया, फैसिकल्स जो होते हैं ये किससे साथ में जुड़े हुए होते हैं, फैसिया से जुड़े होते हैं। अब आती हूँ मैं ईच बंडल, सब बंडल्स में अ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर विद द मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सार्कोलेमा दैट एनक्लोज द साइटोप्लाज्म, और जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है दैट इज सार्कोप्लाज्म, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, मैनी टाइनी पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट। तो जैसे मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो ये फाइबर्स हैं अलग अलग, ठीक है। इसके आउटर कवरिंग जो ये वाली होती है ये सार्कोलेमा, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होगा सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा मसल्स फाइबर के अंदर भी छोटे छोटे से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको मैं क्या नाम देती हूँ, मायोफाइब्रिल्स, इनको क्या नाम देती हूँ मैं, मायोफाइब्रिल्स नाम देती हूँ। और ईच मायोफाइब्रिल, अब उसके अंदर जाएंगे तो हम ईच मायोफाइब्रिल हैज़ थ्रो आउट इन इट्स लेंथ अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड,
ये जो है पूरा एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है। हर मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में एक तो डार्क बैंड होता है और एक लाइट बैंड होता है। डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड इस तरह से प्रेजेंट होता है। क्योंकि डार्क और लाइट बैंड दोनों प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये कैसे दिखाई देते हैं, स्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स बोला था, स्ट्रेशन बोलते हैं इसे हम, ठीक है। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड। लाइट बैंड जो होता है ये वाला, इसके पास मैं यहाँ पे आपको प्रोटीन भी बताऊंगी बच्चों की, फोर टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये फोर टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट बताया मैंने इसके अंदर आपको, प्रोटीन बताएं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्टिन जो होता है प्रोटीन, वो केवल किस में प्रेजेंट होता है, आई बैंड में। ये वाला हमारा क्या है, आई बैंड है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, आई बैंड। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना है बच्चों। जबकि जो डार्क बैंड होते हैं इसमें मायोसिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं मेनली। ये क्या कहला रहा है, ए बैंड कहला रहा है। ये देखो बच्चों, ये वाला यहाँ पे जो मेनली है, मायोसिन के साथ साथ इसके पास एक्टिन भी है, दोनों चीज़ें, इसी कारण ये मेनली क्या होता है, डार्क होता है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है, इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। ये क्या कह रहा है, अब आप एक चीज़ बच्चों यहाँ पे देखो डायग्राम में, मैं अगेन बताती हूँ यहाँ पे। ये पूरा डायग्राम है एक माइक्रोफाइब्रिल का, ठीक है, मायोफाइब्रिल का। इस मायोफाइब्रिल में आपको जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिन का है, ठीक है। एक्टिन के साथ दो प्रोटीन और आ रहे हैं यहाँ पे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जिसको यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा है, केवल एक्टिन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई बैंड में आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह पे जाके ये फिनिश हो रहा है और फिर स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक गैप यहाँ पे बन जाता है बच्चों। ये जो गैप बन रहा है दो एक्टिन के बीच का, जो ये गैप है, ठीक है, इस गैप को हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन, जो कि किसमें दिख रही है आपको, आई बैंड में दिख रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ, वापस बताती हूँ बच्चों कि ये पूरा एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन है, एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, ए बैंड में भी ये गैप बन रहा है, बट ये यहाँ पे इसकी आई बैंड में एंडिंग होगी, अगेन दूसरा स्टार्ट होगा। तो जब दूसरा स्टार्ट होगा, उसके बीच में जो गैप रह जाता है, ये गैप क्या कहला रहा है आपका, जेड लाइन कहलाता है। और मैंने आपको ऊपर बताया था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स, दैट इज साइकोमियर, सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन के बीच का ये जो स्पेस होता है, इसको मैं सार्कोमियर नाम देती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब मैं आती हूँ बच्चों ए बैंड पे। ए बैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों आपका, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये ए बैंड है। यहाँ पे आप देखो, आपको फोर टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन ये, और ये मायोसिन वाला पार्ट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, पर कुछ इसमें भी बीच में ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक्टिन ना हो के केवल और केवल इस पोर्शन में मायोसिन ही प्रेजेंट दिख रहा है हमें, ठीक है ना। ये है यहाँ पे तो सारे प्रोटीन है, यहाँ पे भी सारे प्रोटीन, तो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं यहाँ पे। जहाँ पे केवल एक्टिन है वो बिल्कुल लाइट दिखाई देता है, और जहाँ पे केवल मायोसिन है वहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट होता है ए बैंड के बीच में, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, एच जोन। यहाँ लाइन लिखा है, लाइन नहीं होता है बच्चों, दैट इज एच जोन। एच जोन के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये होती है एम लाइन। बात समझ में आई, अगेन तुम्हें मैं ये मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने अभी बोला कि इसके पास फोर टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब मैंने बताया जो इसका आई यानी लाइट बैंड होता है, उसके पास केवल एक्टिन होता है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन होता है, जब पर वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, मायोसिन थोड़ा सा है ना वेट उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो आई बैंड है, आई बैंड में केवल एक्टिन प्रेजेंट होता है, पर जिस जगह एक्टिन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे एक लाइन बन जाती है, दैट इज जेड लाइन। ये भी जेड लाइन, दो जेड लाइन मिलके क्या बनाती हैं, दोनों को मिलाने वाली जो लेयर वो होती है, उसको मैं बोलती हूँ सार्कोमियर। फिर आते हैं हम ए बैंड पे। ए बैंड में आपके पास एक्टिन, मायोसिन, सॉरी एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन तो है ही, ये पूरा बंच एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन का है। उसके साथ आपके पास क्या प्रेजेंट है, मायोसिन भी प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा बैंड क्या कहलाता है, डार्क बैंड होता है, ठीक है। इस डार्क बैंड के बीच का वो पोर्शन जिसमें केवल मायोसिन प्रेजेंट होता है, उसे मैं क्या नाम दे रही हूँ, एच जोन कह रही हूँ। और उसके सबसे मिड में एक लाइन होती है, डैट इज जेड लाइन, उसको मैं क्या नाम देती हूँ, जेड लाइन कहती हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब मैं रीड कर रही हूँ, द डार्क बैंड कंटेन मायोसिन एंड आर कॉल्ड ए बैंड एंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन, उसे जेड लाइन बोला, टू विच द एक्टिन फिलामेंट आर फिर्मली अटैच्ड। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का वो पोर्शन
क्या कहला रहा है, सार्कोमियर कहला रहा है। द फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इन रेस्टिंग स्टेज द एजेज ऑफ थिन फाइबर ऑन आइदर साइड ऑफ ए बैंड पार्सली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड, ये वाला बता रहा है, ठीक है, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट, वो थिन फिलामेंट यहाँ तो ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ ये ओवरलैप नहीं हो रहा है थिन फिलामेंट से, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एच जोन नाम दे रहे हैं बच्चों। ये क्लियर हो गया हमें पूरा स्ट्रक्चर किसका, मसल्स का, और कौन सी पढ़ाई मैंने, स्केल्टन मसल्स। बंडल्स जो हैं फेसिकल्स, बंडल्स के अंदर क्या है, मसल सेल्स, जिन्हें मसल्स फाइबर कहते हैं। सेल्स के सबसे आउटर कवरिंग जो है सार्कोलेमा, अंदर जो लिक्विड है सार्कोप्लाज्म, अंदर जो रेटिकुलम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा मसल्स फाइबर हैं डेट इज मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो होते हैं उनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो बैंड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लाइट और डार्क बैंड होते हैं, बिकॉज ऑफ फोर प्रोटीन बताए, एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एंड मायोसिन। मैंने कहा एक्टिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, जबकि मायोसिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है, इसलिए वहाँ पर डार्क बैंड बनता है। दो एक्टिन को जोड़ जहाँ से जुड़ रहा है उसके बीच में स्पेस खाली है, वो जेड लाइन होती है, ठीक है। दो जेड लाइन जब आपस में मिलती है वो सार्कोमियर कहलाता है, या बीच का पोर्शन बोलूँगी मैं, आपस में नहीं मिलना, बीच का पोर्शन सार्कोमियर। ए बैंड में चारों तरह के प्रोटीन होते हैं, पर जिस जगह ओनली मायोसिन प्रेजेंट होता है वो एच जोन होता है, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल। अब मैंने ये वाले जो प्रोटीन बताए आपको फोर टाइप ऑफ, इन प्रोटीन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कंटेन थ्री प्रोटीन, मैंने बोला था तीन प्रोटीन होते हैं एक्टिन फिलामेंट में, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ईच एक्टिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ टू एफ एक्टिन, टू एफ एक्टिन प्रोटीन होता है, डेट आर हेलिकली वाउंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ये थोड़ा सा याद करना है बच्चों, जी एक्टिन का पॉलीमर्स है। टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन अलॉन्ग देयर लेंथ। मैंने कहा था कि ये आपका पूरा इस तरीके से जो रन कर रहा है, ये वाला एक फिलामेंट ये तो ट्रोपोमायोसिन, और ये वाला ऊपर जो है वो एक्टिन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ हमें, ये देखो ये दिख रहा है हमने, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये तो बता रहा है ये ट्रोपोमायोसिन। उसके बाद ये थ्रेड जो दिख रही है ये आपको एफेक्टिन दिख रही है, उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तीन आपको दिख रहे हैं ट्रोपोनिन दिख रहे हैं। ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फाउंड एट रेगुलर इंटरवेल ऑन द ट्रोपोमायोसिन इन द रेस्टिंग स्टेट। अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन की सब यूनिट जो होती है वो एक्टिन की एक्टिव साइट को पूरी तरह से ढक के रखती है। वापस बोल रही हूँ बच्चों, क्या होता है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है ये एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक के रखता है इन द रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। मायोसिन, मायोसिन थिक फिलामेंट बोला था मैंने, मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, दो पार्ट दिख रहे हैं बच्चों इसके, एक तो ग्लोबुलर हेड होता है और टेल होती है बच्चों। तो शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन एंड द टेल इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन। द हैवी मीरो एच एम एम कंपोनेंट प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस एट एन एंगल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमेरिक मीरोमायोसिन, इट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। देखो बच्चों ये देखो, हैवी मीरोमायोसिन जो है ये इस तरीके से यूँ फोल्ड हो रहा है और फिर ये क्रॉस आर्म बना रहा है यहाँ पे, ये चीज़ ये बता रहा है। द हेड ऑफ शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड अ हैवी मीरोमायोसिन एंड द टेल इज लाइट मीरोमायोसिन। यहाँ तक कलम समझ में आया, हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट प्रोजेक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, एट द रेगुलर डिस्टेंस एट एन एंगल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमेरिक मीरोमायोसिन, इट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड फंक्शन एज अ एटीपीएज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये इस जगह पे एटीपी सिंथेटिज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या कर रहा है, एटीपी की बाइंडिंग साइट को बना रहा है, एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम टाइप ऑफ स्केल्टन मसल्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर के पिगमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको दो तरह का बताते हैं, रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स। यदि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी मसल्स में ज़्यादा होती है डैट इज़ रेड मसल्स, और यदि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइट मसल्स बोलते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है बच्चों, मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, इस थ्योरी को एक नाम और देता है स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी का क्या मतलब है, देखो बच्चों, द थ्योरी स्टेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट।
थिन फिलामेंट का थिक फिलामेंट पे क्या होता है, स्लाइडिंग होती है, इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, स्लाइडिंग थ्योरी कहती हूँ। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू अ मोटर न्यूरॉन। अब क्या हुआ कि जैसे ही मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स पे सिग्नल आए, तो सिग्नल आते ही वो सिग्नल किसने ले लिए, सार्कोलेमा ने ले लिए। सार्कोलेमा से किसने लिए, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के पास क्या था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम आयन्स थे, वो कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज होते हैं और ट्रोपोनिन पे जाके जुड़ जाते हैं। जैसे ही ट्रोपोनिन पे जाके वो जुड़ते हैं, वैसे ही जो ट्रोपोनिन, मैंने बोला था कि ये क्या करता है, ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोमाइसिन एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक के रखता है, पर जैसे ही यहाँ पे ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आके जुड़े, वैसे ही ये वाली जो एक्टिव साइट थी वो ऐसे ओपन हो गई। जैसे ही वो यहाँ से ओपन हुई, वैसे ही यहाँ पे वर्क होना स्टार्ट हो गया, एटीपी सिंथेसिस, यानी एटीपी से एडीपी फॉर्म हुआ, और ये जो था आपका, ये इस तरीके से था, ठीक है, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, ये इस तरीके से ये ऐसे मूव करना स्टार्ट हो रहा है, ये देखो क्रॉस ब्रिज बना और फिर ये पूरा यूं हो गया। होते ही जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, वापस ही अपनी इस पोजीशन पर आ जाता है। तो जैसे ही प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हुआ, वैसे ही कैल्शियम यहाँ से रिलीज हो गया, वापस वो कहाँ पहुँच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है, तो ये वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलती हूँ, स्लाइडिंग थ्योरी। अगेन बच्चों, एक बार मैं इसमें रीड करके आपको और बता देती हूँ। व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट रीचेज अ न्यूरोट्रांसमीटर। वो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है एसिटाकुलीन, विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। द कैल्शियम आयन बाइंड टू द सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड ब्रिज अबाउट कन्फर्मेशन चेंज, कॉन्फर्मेशन चेंज होता है। दिस रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिंग साइट फॉर मायोसिन, क्लियर। द मायोसिन हैड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। दिस यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। दिस पुल द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड। वो एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड के सेंटर में पुल करता है। एज अ रिजल्ट जेड लाइन लिमिटिंग द सार्कोमियर, ये जेड लाइन जी, क्योंकि वो उसकी तरफ मूव हो रहा है तो जेड लाइन ऐसे कम होती है थोड़ी सी। लिमिटिंग द सार्कोमियर आर पुल्ड क्लोजर टुगेदर कॉजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोप्लाज्म एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। दस ड्यूरिंग मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज वाइल डेट ऑफ आई बैंड डिक्रीज। ए बैंड के तो कोई चेंज नहीं आता, पर आई बैंड जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगेन समझाती हूँ बच्चों, होता क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये बता रहा है आपको थ्योरी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जैसे ही नाव से इम्पल्स आते हैं, ठीक है, तो इम्पल्स आने से नाव का जो एंडिंग पार्ट होता है वो हमें पता है एक्सॉन होता है। एक्सॉन से मसल्स फाइबर में जैसे ही सिग्नल्स जाते हैं, जैसे इसने कहा ना जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से वहाँ पर एक लिक्विड सिक्रीट होता है, डेट इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है, दोनों के बीच के स्पेस में फिल हो जाता है, और फिल होने के बाद ये आगे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो सार्कोलेमा उन इम्पल्स को ले लेती है, लेके वो क्या करती है, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करता है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, इस जगह पे प्रेजेंट जो ट्रोपोनिन में कैल्शियम की बाइंडिंग साइट होती है वहाँ के जुड़ जाता है। जैसे ही वो जुड़ा, उसने क्या करा, एक्टिन की एक्टिव साइट को खोल दिया। खोलने से उसने मायोसिन के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट करा। तो जैसे ही वो स्लाइडिंग मूवमेंट कर रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, तो एटीपी सिंथेटिक एंजाइम एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एडीपी में कन्वर्ट कर देता है और ये इस पर स्लाइडिंग मूवमेंट करता है। तो जैसे ही ये मूवमेंट कर रहा है, वैसे ही जेड लाइन जो होती हैं वो पास आती हैं, तो शॉर्ट हो जाते हैं फाइबर, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर या कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल्स फाइबर, यानी उसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ ये कह रहा है ए बैंड की लेंथ कम नहीं होती है, आई बैंड की कम होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों बात, ये मैंने पूरा बताया आपको अभी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हमें। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अब नेक्स्ट इसका रिवर्स होता है। जैसे ही काम खत्म हो गया, स्लाइडिंग मूवमेंट होगी, वैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होकर वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गया, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। कौन, मायोसिन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। जेड लाइन जो होती हैं दोनों थोड़ी सी दूर हो जाती है, लेंथ वापस इंक्रीज हो जाती है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। दो प्रोसेस होती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्स्ट्रक्शन में शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स फाइबर, रिलैक्सेशन में वापस वो अपनी लेंथ को गेन कर लेती है, ठीक है। द मायोसिन गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट
न्यू ATP बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन. मैंने कहा नया ATP वहाँ पे आके जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज जो दोनों के बीच का ये जो ब्रिज बन रहा था, ये ब्रिज जो होता है वो टूट जाता है. एंड एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड आउट ऑफ ए बैंड. द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेकअप कंटिन्यूअस टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कैल्शियम आयन कहाँ नहीं पहुँचाता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं पहुँचाता, विच लीड टू द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एफेक्टिन. जिसके बाद वो क्या होता है, उसकी वापस एक्टिंग साइट को ढक लेता है ट्रोपोमाइसिन. तो ये यहाँ पर हमें पूरी प्रोसीजर कौन सी पता चली बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, जिसे हमें स्लाइडिंग मूवमेंट भी बोल रहे थे. ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया है मसल्स का पूरा, कैसे कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है. और यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो रहा है मसल्स वाला पोर्शन. थोड़ा सा इसने मसल सिस्टम के डिसऑर्डर्स दिए हैं, वो डिसऑर्डर्स बच्चों हम यहाँ पढ़ लेते हैं. कौन कौन से डिसऑर्डर हैं मसल सिस्टम में, मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नर्व और मसल्स के जो जंक्शन होता है उसको अफेक्ट करता है, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव वीकनेस, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केल्टन मसल्स को पैरालिसिस हो जाता है. मस्कुलर डिस्ट्रॉपी, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केल्टन मसल्स. क्या कह रहा है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिस कारण क्या होता है, स्केल्टन मसल्स धीरे धीरे डीजनरेट होती हैं. टैटनी क्या होती है बच्चों, आप कई बार देखना आप सो के उठते हो तो आपका पैर अकड़ गया, की नस अकड़ गई या हाथ की नस अकड़ गई, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि कई बार जो ये कंस्ट्रक्शन होता है लंबा चल जाता है. लंबा चलने के कारण हम उस जिस स्टेज में होते हैं उसी स्टेज में रह जाते हैं. इसी को मसल्स के कंस्ट्रक्शन का लंबा रहना ही क्या कहलाता है, टैटनी कहलाता है. इट रेफर टू द कंटिन्यू स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और वाइल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होगा, हो गया है यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम. स्केल्टन सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट.